तो आज भाई ड्रैग रेस करनी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। और गाइस, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। तो भाई कल आपने व्लॉग में देखा था कि घर आ गया था, घर पे आके थोड़ी बहुत देर रुका, थोड़ा रेस्ट किया और फिर निकल गया। प्लान तो यह था कि सोऊंगा, बट अभी एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरी है ड्रैग रेस XUV 700 वर्सेस, गेस करो वर्सेस क्या हो सकता है और किसकी गाड़ी हो सकती है, गेस करो। वैसे तो यार टाइटल और थंबनेल देख के तो मैं पता ही लग जाएगा, पर कोई नहीं, फिर भी अभी तक मैंने वीडियो एडिट नहीं करी है ना, तो वो मेरे लिए तो सस्पेंस ही है कि टाइटल क्या डालूंगा और थंबनेल क्या बनाऊंगा। बट स्टिल तो आज भाई ड्रैग रेस करनी है और बता ही देता हूँ यार, बकलोल वीडियो है ना, पंकज शर्मा, पंकज अपनी मर्सिडीज लेके आएगा और भाई दोनों भाई ड्रैग रेस करेंगे XUV वर्सेस मर्सिडीज। एक्चुअली आज पंकज को किसी काम से गुड़गांव आना था, तो भाई बात हुई थी कि चल ठीक है दोनों मिलते हैं भाई आराम से, फिर अपना एक ड्रैग रेस करते हैं। तो अभी गुड़गांव जाके थोड़ी देर सो जाऊंगा, फिर पंकज आ जाएगा, फिर पंकज के साथ जाऊंगा भाई। बाकी का भी सीन देखते हैं क्या बनता है, गुड़गांव जाने के बाद पता लगेगा। तो दोस्तों गुड़गांव में पहुंच गया हूं, पर अभी घर पहुंचने में लगेगी अभी 15 मिनट और भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना भाई क्या बताऊं। टाइम हो रहा भाई 9:50, मतलब 10 बजने वाले हैं और भाई कब जाऊंगा, सोऊंगा और फिर जल्दी उठ जाना है मेरे को, क्योंकि पंकज आ जाएगा फिर उसके बाद ड्रैग रेस तो करनी है। और भाई एक अपॉइंटमेंट थी यार, एक डेंटिस्ट के पास भी जाना था, तो यार उसका भी 2 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो यार नींद तो पूरी बिल्कुल नहीं हो पाई। बहुत सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, आज पता लग जाएगा क्या मैं रेसर भी अच्छा हूँ, देखते हैं मैं कितना अच्छा रेसर हूँ। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ और सामने दुकान से मैंने ले लिया था जीरा, हैदराबादी जीरा। और भाई अभी ऊपर चल के देखते हैं कि क्या सीन है, कौन कौन ऊपर क्या कर रहे हैं सब लोग। बाकी भाई मेरे लिए दुआ करो कि आज की ड्रैग रेस जो होने वाली है वो मैं ही जीतूं, भगवान से प्रे करो, भगवान से मेरे लिए, ये भगवान हे श्री राम मैं ही जीतूं वो ड्रैग रेस। तो गाइस यहां तो ये सीन है कि इंस्टा यहां पे सो रहा था, बेड पे सो रहा था, मैं जाने के बाद यहां आके बैठ गया। सिब्बू सो रही है भाई गहरी नींद में, और ये अच्छा ये सिब्बू की बहन है इस वाले रूम में। और ये जनरेटर की आवाज़ कहाँ से आ रही है, हमें हमारे घर में जनरेटर तो नहीं है। ओ अच्छा ये रहा ना जनरेटर, ये भाई जनरेटर है भाई, बढ़िया जनरेटर लगवा रखा हमने, जब बिजली पैदा कर देता है तेरा सही है ना, खुद ही बिजली पैदा करता है और उसी बिजली में ही चला के सोता है तू। तो गाइज मैं सोऊंगा यहाँ पे आज, अभी मैं सो रहा हूँ, जैसे ही पंकज आ जाएगा ड्रैग रेस करेंगे फिर, और वो क्लिनिक की अपॉइंटमेंट पे भी जाना है। तो गाइज टाइम देखो क्या हो रहा है भाई, 1:30 बज गए। और भाई हेलो पंकज भाई, कैसे हो भाई, क्या हालचाल, बढ़िया। फाइनली व्लॉग बनेगा जय, 700 और भाई 700 की चाबी देखो, और भाई मर्सिडीज की मर्सिडीज की चाबी देखो। अरे आप कहा लाइन में आ रहे भैया, सियाज हार जाएगी, कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, ट्राई करने में क्या जा रहा है, हर चीज को करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इंजन में आग लग जाए आपके, यार सही में करवानी है क्या, सही में करवानी है क्या सियाज? नहीं भाई, सियाज का फिर से कमेंट कर देना, अगर सियाज का कहोगे तो एक नया व्लॉग लेके आएंगे। हाँ देखो अभी अभी क्या करते हैं, अभी मेरी मैं भी फर्स्ट टाइम ड्रैग रेस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से पंकज की फर्स्ट टाइम होगी, फर्स्ट टाइम है भाई। तो भाई अभी ना हम इन दोनों की करवा लेते हैं, अभी अगर ऑडियंस ने बोला ना तब आपकी सियाज का भी करवाएंगे फिर, ठीक है? ठीक है, डन डन, ड्राइवर एक काम कर लेंगे, आज आप एक राउंड मर्सिडीज XUV का चला के देखना, देखते हैं उसमें क्या रहेगा, है ना? अगर अब एक ही ब्लॉग में इतनी गाड़ियां दिखा देंगे तो मजा नहीं है ना फिर, और कंटेंट नहीं बचेगा ना, अलग से और बाद में और कंटेंट नहीं बचेगा, फिर और गाड़ियां पे आएंगे, और वर्सेस मर्सिडीज मतलब कुछ भी और क्या क्या भैया क्या बात करते हो। तो गाइस अभी ये सीन अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, थोड़ा सा कपड़े वपड़े बदल लूँ भाई, जूते वूते डाल लूँ, फिर चलते हैं ड्रैग रेस करने के लिए, और बीच में एक बार 15-20 मिनट निकाल के डेंटिस्ट के पास भी चला जाऊंगा। तो बार भी चले जाना यार, 2 बजे की अपॉइंटमेंट है, कल दोबारा ले लेना, नहीं मिलेगी क्यों, 2 महीने से टालमटोल कर रहा हूँ मैं इसके चक्कर में, 2 महीने और सही, ये क्या इसी इसके साथ है क्या अपॉइंटमेंट? हाँ अरे बहुत महंगा ले रखा है यार, 15 मिनट लगेगी, ये वसूल हो जाएगा। मिस्टर टाटा बाय बाय, नो 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 नो। तो भाई अभी हम अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ XUV और भाई, अरे हाँ ले चलो, क्या पता सियाज को भी हम पार्टिसिपेट करवा दे, अरे अगले उसमें है पर क्या पता मूड बन जाए भाई। ये है भाई पंकज की मर्सिडीज, ओ माय गॉड, रिच क्लास पीपल आ गए भाई आज, भाई रिच नहीं है बराबर ही है, बराबर ओ है, भाई 50 लाख की गाड़ी लेके बैठे हो, कह रहे हो रिच नहीं हूं, हम गरीब है भाई, हम गरीब है। अरे ये गाड़ी तो इसकी होगी ना भाई की, तुम तो ड्राइवर हो, मैं आम ड्राइवर। ये भाई इंटीरियर देख लो मर्सिडीज का, ये सेम ये अपने में भी ऐसी है भाई 700 में,
स्क्रीन ऐसी है 700 में देख ली। ये देखो भाई ये सही है, मतलब चलो देखते हैं, दिखने में खूबसूरत है, भागने में भी। क्या लगता है भाई कौन जीतेगा? एक्सयूवी जीतेगी भाई। सही में कमेंट करो यार कौन जीतेगा। वैसे सही में कौन क्या लगता है? नहीं जीतेगी यार मर्सिडीज, पक्की बात। पक्की बात है भाई, खुला चैलेंज हो गया तो। मतलब कह रहे हैं सोचा कह रहे हैं मर्सिडीज जीतेगी भाई, देखते हैं, ऐसे नहीं बोलने से नहीं होता, देखते हैं भाई इसमें। पर मेरी मेरे में ना इस वाली साइड नहीं है, ये बस उस साइड है। चलो गाइस चलो चलते हैं और देखते हैं who will win। क्या भाई ये प्रॉपर स्क्रीन है? हाँ स्क्रीन है भाई पूरी। अच्छा अच्छा भाई पंकज बोल रहा है साफ कि मर्सिडीज जीतेगी। पंकज कह रहा है मर्सिडीज जीतेगी, देखते हैं ना। बात ऐसी है, शुरुआत हो गई है यहीं से रोड से ही। पहले हमने उनके आगे ओवरटेक करी, अब वो दिखा रहे हैं। तो भाई ड्रैग रेस से पहले एक बार डेंटिस्ट पे जाके वो अपना जो काम इतने दिनों से पेंडिंग है वो करवा लेता हूँ यार। वो डेंटिस्ट भी बोल के यार थक गए बिल्कुल, अभी 15 मिनट लगे, एक बार करवा ही लेता हूँ ना, फिर उसके बाद करेंगे ड्रैग रेस। तो भाई ये है वो क्लिनिक आ गए हैं, ये DCB क्लिनिक है। और भाई गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल नहीं है, तो इतने में अपना ये डेंटल का काम वाम करवाऊँ ना भाई, मेरे जितना टाइम लगे इतने गाड़ी में तेल फिल करवा के आ जाएगा बिना। 15-1 मिनट लगेगी एक बार यहाँ क्लिनिक में आऊँ तो। फिर हम पास में ही है मार्केट में, आ जाओ ना साथ में यार। मैं क्या करूँगा सीख के उसे। अरे क्या दिक्कत है, तुम कराओ इसको, राहुल भैया को ढूंढता हूँ मैं, कहाँ है इतने भी नहीं, क्या बोलते हैं तेल डलवाने जा रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, हम भी इतने आ रहे हैं। तो गाइस क्लिनिक का मेरा सारा काम हो गया जो डेंटिस्ट के पास का था। देखो मेरे दांतों में कुछ फर्क लग रहा है, शाइन आ रही है ना, शाइन बताओ किस चीज की है। तो भाई पंकज कितनी देर में आ रहा है? बोल तो दिया भैया ने। अच्छा भाई पंकज कुछ खाने वाने के लिए गया था आसपास, अभी आ रहा है, उसके बाद चलेंगे ड्रैग रेस करने। तो गाइस ड्रैग रेस करने के लिए हम लोग आ गए यहाँ पे पहाड़ों पे, और ये पहाड़ भाई हरियाणा में है, गुड़गांव में ही। तो गाइस मैं और पंकज दोनों पहुंच गए अपनी गाड़ियां लेके। सही है ना रोड ये? बढ़िया। तो भी भाई यहाँ से रेस करेंगे भाई, राहुल भैया को आ जाने तो एक गाड़ी आगे भेज देंगे जहाँ तक की रेस होगी। हाँ गाइस अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी कमेंट करके बताओ क्या लगता है आपको कौन सी गाड़ी जीतेगी, एक्सयूवी या फिर मर्सिडीज? 28 लाख जीतेगा या 50 लाख जीतेगा बताओ। है भाई क्या पता भाई एक्सयूवी जीत जाए, नहीं अभी तक तो मर्सिडीज जीत रही थी। नहीं भाई अब पंकज के हौसले बुलंद थे, अब कमजोर होते जा रहे हैं है? तो भाई पंकज ने सही दिमाग आजमाया भाई, ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो पता है क्यों, अब तुम्हें पता लग जाएगा। नहीं मैं चला नहीं रहा, फिर बाद में चलाऊंगा। नहीं नहीं कोई नहीं, चला के देख लो कोई दिक्कत नहीं है अपनी। मैं मर्सिडीज चलाता हूँ इतने। गाइस अभी पंकज एक्सयूवी चला के देख रहा है, मैं मर्सिडीज चला के देखता हूँ मर्सिडीज कैसी है चलने में, आधा भी ना टेस्ट ड्राइव देंगे। तो गाइस ड्रैग रेस के लिए तैयार है भाई, सेफ्टी फर्स्ट, तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। दोनों गाड़ियां। हाँ भाई गाड़ी बराबर है ना, कभी बोलो भाई मेरी आगे थी। अरे विनय बता दे गाड़ी बराबर है ना। तो भाई दोनों गाड़ी बराबर खड़ी है, बराबर है भाई। डन है डन। चल भाई रेडी? रेडी भाई मैं रेडी। तो भाई दोनों गाड़ियां तैयार हो चुकी है ड्रैग रेस के लिए, और वहाँ दूर जाके राहुल भैया कैप्चर करेंगे, वो बताएंगे कौन विनर है। चलो गाइस ड्रैग रेस के लिए स्टार्ट करते हैं, काटूंगा मर्सिडीज को हराऊंगा। तो भाई मैं तो एसी ऑन करके कर रहा हूँ, एसी बंद करके करोगे क्या तुम? एसी ऑन है ना? हाँ मेरा भी एसी ऑन है बिल्कुल। ऑटोमेटिक का फायदा उठा गया, वापस जा रहे हो अब दोबारा? लेकिन भाई एक सुनो, उसके सामने नहीं आना भाई, वो ऑटोमेटिक से जीत गया वो। तो गाइस फर्स्ट ट्राई थी, अनफॉर्चुनेटली एक्सयूवी हार गई, पंकज जीत गया भाई पहली बारी में यार।
रीजन बताओ। हाँ ऑटोमेटिक है तुम्हारी गाड़ी। ऑटोमेटिक में गियर देर में पकड़ते, तुम्हें पता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सच में है। दोबारा करते हैं, चलो दोबारा करते हैं। यार तो बेइज्जती सी होगी यार। भाई अभी जैसा बहुत दूर अगर आप लोग देख सकते हो तो वो दिख रहे होंगे आपको, गाड़ी बैक कर रहे हैं दोबारा वापस वो लोग। एक बार ज़रा फिर से होगा, बीच में ये जो दिख रहा है आपको एक बंदा, ये चलता हुआ वाइट शर्ट में, ये भी अपने साथ है, ये सेंटर से शूट कर रहा है। हमने गाड़ी बहुत स्पीड में थी, अब दोबारा शुरू होने वाली है। पीली टी शर्ट वाला वहाँ से उनको लॉन्च करेगा, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, फिर जूम आउट कर लूँगा जब रेस स्टार्ट होगी। साइड भी हटना पड़ेगा मुझे, अभी उड़ा दे कोई सा। फिर मैं सीरीज आगे निकल गई, ऐसा मैंने बोला। भाई ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, ये फर्क है भाई। अब ये बहाना बताओ रचित भाई, हारने का, हार का बहाना भाई। ये जल्दी स्पीड पकड़ सकते हैं भाई, मैनुअल में जल्दी स्पीड पकड़ते हैं, तुम्हें पता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। राहुल भाई बताओ, देखो गियर उसमें भी शिफ्ट हो रहे हैं, गियर इसमें भी हो रहे हैं, उसमें देर में हो रहे हैं, उसमें अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो देर हो रहे हैं, इसमें तुम जल्दी बदल सकते हो, ये फर्क है सच में। मैनुअल कम भगती है। अरे भाई ड्राइवर टू ड्राइवर ही फर्क, ड्राइवर चेंज हो गया भाई, देखते ड्राइवर में कमी है गाड़ी में। हाँ भाई क्या बोलोगे, ये आवाज क्यों कर रही है? टाटा हाथ में भाई, मर्सिडीज है फिर वो, हैंड ब्रेक लिख रहा है। हाँ भाई भगा के देख ली। तो गाइस अभी हमने गाड़ी चेंज करी है, अब मतलब मैं दो बार दोनों रेस हार गया एक्सयूवी के साथ, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि मैं बेकार ड्राइवर हूँ? लेकिन नहीं, ये मैं गलत प्रूव करूंगा। अभी मैं मर्सिडीज चलाऊंगा और पंकज चलाएंगे भाई एक्सयूवी, तो भाई वो मेरे से वैसे सोच से ऊपर गई नहीं तो पता लगेगा मैं बेकार ड्राइवर नहीं हूँ। गाड़ी वो भाई मैनुअल है, अगर वो ऑटोमेटिक में होती ना तो हरा देती इसे। ठीक है भाई कैमरा बंद कर रहा हूं। हां रचित भाई हार जाऊंगा, कैमरा बंद। हां भाई हार जाऊंगा। गाइस यार दिस इज अ ब्लंडर दोस्तों, बेइज्जती हो गई, पर जीतूंगा ड्राइव, मैं जीतना चाहिए, गाड़ी कोई भी हो मैं जीतना चाहिए, मैं जीतूंगा। चलेगा इस दोस्तों, करे रेस, तीसरी रेस करे, दो बार पंकज जीता, तीसरी रेस मैं जीतूंगा पक्का। रेडी भाई, रेडी भाई, हारने के लिए तैयार हूँ मैं। रचित भाई 100 रुपए पेटीएम क्या कर दूंगा भाई, पेटीएम। भाई ड्राइवर चेंज हो गए हैं, जीत गया रचित से। तो भाई के बदले फाइनल कंक्लूजन ये है, मर्सिडीज विंस, एसयूवी हार गई है, मर्सिडीज जीत गई है। ड्राइवर स्वाइप करके भी देख लिया। एक चीज नोटिस करी क्या? जब मैं एसयूवी चला रहा था हाँ, तो हमारे बीच का डिफरेंस बहुत कम था, लेकिन जब मैंने मर्सिडीज चलाई मैं कितनी आगे छोड़ लगा। मैंने पहले भी ये बात कही थी ड्राइवर टू ड्राइवर ही फर्क। नहीं भाई वो मेरे को उसकी आदत ही नहीं है, मैंने चलाई पहली बार आज, हो सकता है मुझे भी नहीं है। तो गाइस अभी का सीन ये है कि भाई पंकज ने फर्स्ट और सेकंड रेस जीती, थर्ड रेस मैंने जीती, रचित ने जीती थर्ड रेस भाई। लेकिन एक जो चीज सबसे बड़ी बात ये है, जब मैं एक्सयूवी में था और तुम मर्सिडीज चला रहे थे तो बहुत कम डिफरेंस था दोनों गाड़ियों के बीच, लेकिन जब मैंने मर्सिडीज चलाई ना तो कितना डिफरेंस था भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, थर्ड ज्यादा था। इनने शायद बीच में ब्रेक लिया था पहले, मैंने ब्रेक लिया था। नहीं भाई ड्राइवर टू ड्राइवर फर्क पड़ता है भाई, ठीक है एक्सयूवी नहीं जीत पाएगी मर्सिडीज से, नहीं जीत पाएगी मर्सिडीज से, बट इससे पता लगा कि मैं ज्यादा तेज भगा रचित भाई, दिल को तसल्ली दो रचित भाई को, लिखो कोई बात नहीं अगली बार रचित भाई जीत जाएगा। हाँ मर्सिडीज जीती कोई दिक्कत नहीं भाई, भी फिर यार डबल है उससे यार, वो 28 लाख की, वो 50 लाख की, कोई नहीं भाई, रेंज रोवर लेके आऊंगा, रेंज रोवर लेके आऊंगा, फिर देखेंगे कौन जीतता है भाई, रेंज रोवर लेके आऊंगा फिर देखेंगे कौन जीतेगा। रेंज रोवर से जीत जाएगी, रेंज रोवर से चांसेस हैं क्योंकि उसकी भी ऑलमोस्ट इतनी है, हैं ये सिडान है, सिडान थोड़ी तेज भागती है हवा को बढ़िया काटते हुए, एसयूवी थोड़ा सा वो हो जाता, ऑफ रोडिंग में लाओ थोड़ा फिर पता लगेगा। एसयूवी लाऊंगा 500, कहाँ चलने बताओ। तो भाई नेक्स्ट एसयूवी 500 के साथ करेंगे ट्रैक रेस, कमेंट करके बता देना भाई अगर एसयूवी 500 और एसयूवी 700 की देखनी है तो। हाँ वो एक्चुअली होगी एक टक्कर जो देखने लायक होगी कि एसयूवी 500 वर्सेस एसयूवी 700, क्योंकि दोनों एक सेगमेंट की गाड़ी है और मतलब सेम गाड़ी है ऑलमोस्ट, तो देखते हैं उसमें कौन जीतेगा जब पता लगे। वो मैनुअल है ना, वो मैनुअल है। हाँ ये ऑटोमेटिक का चक्कर भी खत्म, वो भी मैनुअल, ये भी मैनुअल, गियर वाले हिसाब से भी खेल सकता हूँ, टक टक टक, हीरे गियर।
तो भाई उसमें क्लच थोड़ी ना दबाना, उसमें भी टक टक करना, टक 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 टक, वो वाला मैनुअल होना चाहिए ना, ये और ज्यादा सुपर फास्ट है इसमें फिर। हाँ तो भाई वो भी मैनुअल है, ये भी मैनुअल है, फिर पता लगेगा एक्चुअल। राहुल भी 100 की स्पीड टेस्ट करते हुए भाई ये कह रहे थे सियाज को भिड़ाते हैं, सियाज भैया नहीं भाग पाएगी इतनी, मालूम है मेरे को क्रेटा भी हरा देती से तो नहीं, ये तो तू रहने दे, मैं तैयार हूं भाई, नई वाली क्रेटा हरा देगी, नहीं क्या भाई पुरानी भी हरा देती, तीन दिन तो सेम है, क्रेटा से तो मैं तैयार हूं करने को भाई, भाई क्रेटा हरा देगी वो, तब की बात है देगी जाएगी, लेकिन क्रेटा से तो मैं तैयार हूं भाई करने को। टियागो से करो रेस, टियागो से कहां भाई, टियागो वर्सेस कर लो भैया, टियागो वर्सेस सियाज ड्रैग रेस। तो गाइस एक्सयूवी नहीं जीत पाई मर्सिडीज से, पर भाई फर्क है देखो गाड़ी, ये 28 लाख रुपए की और 50 लाख रुपए की तो फर्क है भाई, और वो मर्सिडीज ये एक्सयूवी। आ रहे भाई ये लोग पीछे कहाँ रह गए, आ जाओ गाइस आ जाओ। तो चलो अभी वापस से घर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम पंकज और मैं XUV 500 वर्सेस 700 करेंगे। ये देखो भाई ये सियाज की 100 की स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, कितनी तेज भागती है ये, कितने सेकंड में करी सियाज ने 100 पूरी, 16.73 सेकंड, कितनी 16 सेकंड, ओ भाई 16 क्योंकि भाई वो मैं सही टाइम तक गया नहीं। अरे भैया झटका ली थी ना एक बार इसका कितना है 100, ये 6 सेकंड में 7 सेकंड में पहुंच जाएगी, वो 9 सेकंड में पहुंच जाएगी यार, ये 16 में फास्ट टेस्ट मेरे सेकंड है ना, कोई 2.5 सेकंड में 100 पहुंच, जो फॉर्मूला 1 की कार है वो और जो लेपर्ड होता है चीता, उससे रेस हुई थी, दोनों 3 सेकंड में 100 की स्पीड में पहुंच गए थे, चीता भी, चीता वीडियो है यूट्यूब पे देख लियो, स्क्रिप्टेड होगी, अरे स्क्रिप्टेड लाइव पूरा वीडियो है भाई, जो भाई चीता की स्पीड होती है क्या बात कर रहा है, 120 तक पहुंच जाता है वो, भागते हुए 120 की हाई स्पीड होती है, वो रुक जाता है भाई 120 पे रुक जाता है, वरना हार्ट अटैक से मर सकता है वो। अच्छा तो उसमें वो रेडिएटर कूलेंट नहीं लगेगा चीता के अंदर ठंडा करने के लिए, उन्होंने उसको वही टेस्ट किया था कि भाई ये चीता इसकी रेस में भाग सकता है नहीं भाग सकता, वो वीडियो देखिए यूट्यूब पे, चले चलो भाई घर निकल रहे हो, नहीं घर का भैया के साथ चल रहे हैं। अच्छा हाँ यार कुछ खाना वाना खाने तो चल रहे, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के लिए, मेरे को लगा भाई तुम जीते हो तो इस खुशी में तुम पार्टी दे रहे हो, अरे यार ले लो यार और बताओ भाई, नहीं मर्सिडीज की पार्टी नहीं दी तुमने, ये बाद में आई, इसकी पार्टी पेंडिंग है, इसकी पार्टी चलो यार देख लो, मतलब 50 लाख की गाड़ी ले ली लेकिन 500 रुपए का 500 रुपए की पार्टी, वो 50 लाख देके भी नहीं मिल रही, वो उसकी पार्टी होगी आज, ये रजित पार्टी दे रहा है ये चलो भाई पार्टी फाइनली रजित पार्टी दे रहा है, पंकज विल बी पंकज, ये रजित पार्टी दे रहा है, थैंक यू रजित गाइस, पंकज विल बी पंकज, आज रजित पार्टी देख रहा है, यस ये चीजें योग इसका तुरंत से सीखी है ना, ये सीखी हाँ कैसे है ना, है ना है ना, ये योगेश को तो सीखी है ना, जब भी योगेश अगर भाई योगेश को पता चल गया आ जाएगा वो भी वहीं पता चल गया पार्टी हो गया नहीं, ये चीजें पर योगेश को तुरंत सीखी है ना, सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं इधर उधर से, कह रहा जो फायदा हो भाई वो सीख लो, जो फायदे वाली चीजें वो सीख लो। तो गाइस चलो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट में, लेट्स गो विनर ब्रो, लेट्स गो ब्रो चलो। तो गाइस अभी हम आए ऑरेंज, यहाँ पे हम थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे, तो गाइस अभी हम लोग तो यहीं पे हमारा भी ऑर्डर आ रहा है लेकिन भाई पंकज निकल रहा है, मेरे को जाना है भाई कुछ अर्जेंट है जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, वो मैंने कहीं डिस्क्लोज नहीं कर रखा कैसे, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है भाई, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है भाई, वो मैंने बता दिया रचित भाई, मेरे को पता है आपको तो नहीं पता पर्सनल प्रॉब्लम भाई, ऐसी बात नहीं है भाई, हर एक की पर्सनल प्रॉब्लम, लड़कों की भी होती है भाई, नहीं भैया आप ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो भैया, गलत हो आप, नहीं भैया डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, नहीं काम गाइस आपको पता है पप्पू मामा कैसे हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं हर चीज में, बदनाम कर रहे हो मेरे को भाई, आपकी वीडियोस देखते हैं लोग, उनको पता है आपका कैरेक्टर कैसा है, मैं किसी को मेरा कैरेक्टर पदोड़ा है, ठीक है मेरा कैरेक्टर ये नहीं है, चलो भाई मैं जा रहा हूं, ओके भाई टाटा बाय 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 बाय, बाकी गाइस जल्दी मिलेंगे 700 वर्सेस 500 के साथ, ओके तो गाइस अभी हम लोग वापस आ गए हैं, विनय पहले आ गया था, मैं और भैया अभी आए हैं, दोनों गाड़ियां खड़ी कर दी है भाई, ये सियाज खड़ी है, एक्सयूवी खड़ी है, पंकज अपनी मर्सिडीज लेके घर चला गया है, तो अभी ऊपर चलते हैं। तो भाई ड्रैग रेस करके आके मैं सो गया था और अभी उठा हूं और रखी बहुत ज्यादा रात, अभी तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, तो बाकी कल सुबह 10 बजे मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, बाय गाइस लव यू टेक केयर, अगली रेस जीतूंगा ड्रैग रेस पक्का।